الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا وأولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذني وليا فقد استحق مهاربتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ولیوں کے نظروں میں یہ تاثیر دیکھی ولیوں کی نظروں میں یہ تاثیر دیکھی بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی محترم بزرگوں دینی اور ایمانی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو یہ مہینہ ربیع الآخر کا عطا فرمایا عام طور پر اس مہینے کے اندر سید الاولیاء سرتاج الاولیاء ولیوں کے سردار اور سرتاج محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا جاتا ہے تذکرہ کیا جاتا ہے اور اللہ والوں کا ذکر کرنا اللہ کے پیغمبروں کا ذکر کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بزرگان دین اولیاء کرام کا ذکر کرنا یہ ایمانی حصہ ہے کیونکہ اس سے ایمان کے اندر مضبوطی ہوتی ہے اور ان کے بارے میں بولنا ان کی زندگانی کے باتوں کو سامنے رکھنا ایمان میں اضافے کا کچھ نہ کچھ سبب ضرور بنتا ہے بزرگان محترم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور جو اصل بات ہے اس بات سے پہلے کہ دنیا کی چیزوں کے چھوڑ جانے کا ہمیں غم ہوتا ہے دنیا کی چیزوں کے لٹنے کا ہمیں افسوس ہوتا ہے یا کوئی کام اگر ہم غلط کر بیٹھتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے کہ پکڑنے والے ہمیں پکڑ کے نہ لے جائے کوئی جرم کا ارتکاب ہم کرتے ہیں
तो फिर हमें डर और खौफ सताता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कयामत का हमें खौफ नहीं है, कयामत के बारे में हमें डर नहीं है। हालांकि चंद दिन पहले सुबह की हदीसों में से एक हदीस गुजरी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन पैदा फरमाया, उनका इंतकाल भी जुमे के दिन हुआ और कयामत कायम होगी तो वो दिन जो होगा जुमे के दिन ही होगा। तो आज के दिन हमें ख़ास तौर पर, खुसूसी तौर पर डरना चाहिए, अल्लाह से खौफ खाना चाहिए। लेकिन ये बातें हमारे अंदर नहीं है, ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं पाई जाती है, ना डर है ना खौफ है। अल्लाह से ना तो शर्म है ना तो हया है, अल्लाह के सामने जवाबदेही का कोई एहसास नहीं, उसकी कोई फिक्र हमें नहीं। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व ताला इसका हमें एहसास नसीब अता फरमाए, शोर व बेदारी नसीब अता फरमाए। अल्लाह के सामने खड़कर जवाबदेही का डर और खौफ अल्लाह तबारक व ताला हमारे सीनों के अंदर पैदा अता फरमाए। तो बहरहाल बुजुर्गान मोहतरम, इस महीने के अंदर अल्लाह के एक ख़ास बुजुर्गुजीदा बंदा कि अल्लाह तबारक व ताला ने जिनको नबुवत और विलायत के मैदान में बहुत मकाम और मर्तबा बुलंद अता फरमाया, ऊंचा अता फरमाया और अल्लाह तबारक व ताला ने उनको जुहदो वरा तकवा इस्लाह व तरबियत, इस्लाह व इरशाद, दरसो तदरीस, फिका व फतावा, तस्किए नफ्स व तस्किए सुलूक जैसी अजीम दौलत से अल्लाह तबारक व ताला ने नवाजा था, अता फरमाया था, उस हस्ती का तस्किरा किया जाता है। हम में से बहुत सारों को इसका भी इल्म नहीं है, इस बात के बारे में भी जानकारी नहीं है और जो बातें हमारे जहनों के अंदर होती है या तो वो सुनी सुनाई बातें होती है या वैसे ही ज़माने के साथ गुजरते हुए, ज़माने के रफ्तार के साथ चलते हुए वो बातें हमारे दिलो दिमाग में पैवस्त हो जाती है और हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे अकीदत रखते हैं, उनकी सही तारीख, उनका सही नाम हमें पता नहीं होता है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों का नाम हमें मालूम होता है जिनकी अल्लाह की नज़र में कोई वक़ात ही नहीं होती, अल्लाह की निगाह में कोई हैसियत ही नहीं होती, ऐसे लोगों का नाम हमें मालूम होता है। फला एक्टर का नाम मालूम होता है, फला मशहूर आदमी और इंसान का नाम मालूम होता है, लेकिन अगर कोई अल्लाह के पैगंबरों के बारे में सवाल करे, सहाबे कराम की ज़िंदगी के बारे में सवाल करे, हज़रत औलिया कराम के बारे में सवाल करे, तो हमें उसके बारे में सही मालूमात नहीं होती है। किसी से पूछा गया कि पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के वालिद का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि गीलानी। हमें इनसे अकीदत है, बड़ी मोहब्बत है, उल्फत है, होनी भी चाहिए, अल्लाह के नेक बंदे हैं, बरगुजीदा है, लेकिन हमें इनके बारे में इनकी हिस्ट्री, इनकी तारीख और इनके इनका सही नाम, वालिद का, इनका घराने वालों का सही इल्म नहीं होता है। तो ये दीन से दूरी का नतीजा है। दुनिया से हम करीब है, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर रची हुई है, बसी हुई है, तो दुनिया की चीज़ों के बारे में छोटी सी छोटी चीज़
का इल्म हमें है, पता है, लेकिन अगर वलियों के बारे में सवाल किया जाए तो वह कहेंगे कि गीलानी है, पीरारे पीर रहिमहुल्लाह के वालिद का नाम। तो बहरहाल हजरत पीराने पीर रहिमहुल्लाह का नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जीलान एक बस्ती है, गांव है, वहां के रहने वाले थे। जैसा तैलूर है तो तैलूरी बोलते हैं, या बेंगलोर का रहने वाला है बेंगलोरी बोलते हैं, या कोई और मकाम है कोलार है कोलारी बोलते हैं। तो जहां के रहने वाले थे उस जगह का नाम जीलान या गीलान है, इसलिए पीराने पीर रहिमहुल्लाह के नाम के साथ जीलानी बोला जाता है, गीलानी बोला जाता है। तो बहरहाल हजरत पीराने पीर रहमहुल्ला के वालिद का नाम अबू सालेह अब्दुल्ला, जैसा नाम है वैसा अल्लाह का वो बंदा भी था, बड़ा नेक। अबू सालेह, सालेह कहते हैं नेक इंसान को, नाम जैसा है इंसान भी वैसे थे। आपने वाकिया सुना होगा, एक सेब खा लिया, पानी में पड़ा हुआ दरिया में बहते हुए एक सेब को उठा लिया, भूख की शिद्दत की वजह से सेब का कुछ हिस्सा खा लिया, फिर फिक्र हुआ और ये इस बात का डर हुआ कि पता नहीं किस इंसान का ये सेब है, सेब का मालिक कौन है, यजमान कौन है। उनको पूछे बगैर, उनसे इजाजत लिए बगैर मैंने ये खा लिया, लिहाजा कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब इसके बारे में सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये डर सताया लोगों के अंदर, ये डर पैदा हुआ, खौफ पैदा हुआ। नहर के किनारे चलते गए, चलते गए, वाकिया लंबा है। बाग में पहुंचे, बाग से मालिक से मुलाकात हुई, फिर शर्तें रखी गई, बात आगे बढ़ती गई। तो बहरहाल जैसा नाम था वैसा नेक इंसान थे। और पीराने पीर रहिमहुल्लाह की वालिदा का नाम उम्मुल खैर, ये लोगों ने टाइटल दिया था, लकब दिया था, असल जो नाम है फातिमा। उम्मुल खैर कहते हैं भलाइयों की माँ, अच्छाइयों की माँ, उम अरबी में आते हैं माँ के, और खैर अच्छाई भलाई नेकी। तो अल्लाह तबारक व ताला ने वो सारी खूबियां सारी चीजें उनके अंदर जमा फरमा दिया था। अल्लाह की बड़ी नेक बंदी थी, डरने वाली थी, खौफ खाने वाली थी, कुरान की हमा वक्त तिलावत करने वाली थी, कुरान से मोहब्बत था, लगाव था, और कुरान को सीने से लगाने वाली थी, चिमटाने वाली थी, बार बार पढ़ने वाली थी, अच्छे काम करने वाली थी, अल्लाह की रजामंदी को तलाशने वाली थी। इसलिए लोगों ने उनका नाम उम्मुल खैर रख दिया, असल नाम फातिमा था। हजरत पीराने पीर रहमहुल्लाह जब पैदा हुए तो वालिद का इंतकाल हो गया। जब ये बड़े हो गए, बड़े होने के बाद जब 4 साल की उम्र तकरीबन के पहुंच गए तो वालिदा ने चाहा कि मेरा बच्चा भी मदरसे में इसको दाखिल किया जाए, अल्लाह का कुरान अल्लाह का कलाम इसके सीने में उतर जाए, सीने में ये महफूज कर ले। अपने मासूम बच्चे को हाथ पकड़कर अपने गांव के हजरत के पास ले गए और कहा पर्दे के पीछे कि मैं बेवा औरत हूँ, इनके वालिद का साया इनके सर से उड़ गया है, इन वालिद का इंतकाल हो गया है, बच्चा यतीम है, मेरा ये अरमान है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का कुरान महफूज हो जाए, लिहाजा मैं अपने बच्चे को मदरसे के अंदर दाखिल कराने के लिए लाई हूँ। तो बहरहाल दाखिला दिया गया और जाते हुए उन्होंने कहा कि अगर बच्चा कोई शरारत करे, कोई गलती करे तो बच्चे को डांटना, और जरूरत पड़े तो बच्चे को मारना भी। आप ये ना समझना कि यतीम बच्चा है, बाप नहीं है, तो इनके साथ ऐसा सुलूक क्यों करूं। अगर पढ़ाई में अगर कोई शरारत करे और अगर बराबर ना पढ़े तो आप बच्चे को वक्तन फवक्तन डांट भी पिलाना, जरूरत पड़ने पर मारना भी। बहरहाल दाखिला दिलाकर चले गए। अब पहले जमाने में तो गांव में एक ही हजरत रहते थे,
अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है कि आपकी बस्ती में कई कई हजरत है, जिम्मेदारों ने इंतज़ाम किया है कि मोहल्ले वाले बच्चे पढ़े, दीनी इल्म हासिल सीखे, दीनी इल्म हासिल करे, दीनी तालीम हासिल करे, उसको पढ़े, उसको सीखे, उस पर अमल करने की कोशिश करे। तो बहरहाल अब जब उस्ताद के हवाले कर कर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा अपने घर लौट गई, हजरत एक बच्चे को बुला रहे हैं, उनको उससे पढ़वा रहे हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ रहे हैं बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, आ रहे हैं बच्चे पढ़ के जा रहे हैं। पीराने पीर रहमतुल्लाह की जब बारी आई, नंबर आया, तो उस्ताद ने हजरत ने कहा कि बेटे पढ़ो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह के पास जब सूरह फातिहा को शुरू किया तो पढ़ते गए बीच में रुके ही नहीं, पहला जुज पहला पारा खत्म कर दिए, दूसरा पारा भी खत्म हो गया, तीसरा पारा का तकरीबन आधा हिस्सा यानी सूरह बकरा को मुकम्मल कर लिया और फिर ठहर गए। उस्ताद हैरान है, परेशान है कि 4 साल की उम्र का बच्चा है, उम्र भी ज्यादा नहीं है, और ये बच्चा इतनी कम उम्र में ये सूरह बकरा पूरी सूरत का याद कर लेना, हिफ्ज कर लेना, ये तो कमाल की बात है कि दूसरे बच्चे को से एक बार दो बार तीन बार दोहराते औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रट्टा लगाते तब वो अपने जुबान से अल्फाज निकालते, लेकिन ये बच्चा सिर्फ औज़ुबिल्लाह और हुक्म देने की देरी थी कि बच्चा फर फर पढ़ते गया और सूरह बकरा इन्होंने मुकम्मल कर दिया। उस्ताद हैरान है, उन्होंने कहा कि बेटे जाओ, मेरे बस की बात नहीं है, अपनी वालिदा के पास चले जाओ। अब पीराने पीर रहमतुल्लाह ने सवाल किया कि हजरत कोई तकसीर या कोई गलती मुझसे हो गई, मेरी वालिदा ने तो बड़ी हसरत के साथ और बड़े आरजू के साथ आपके पास पढ़ने भेजा है ताकि कुरान के इल्म में मुझे नसीब हो जाए, कुरान का हाफिज बन जाऊं, अगर मैं घर जाऊंगा तो मेरी वालिदा क्या कहेंगी। तो उस्ताद ने कहा कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, अपनी वालिदा के पास चले जाओ। अब पीराने पीर रहमतुल्लाह 4 साल की उम्र है, डरते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए अपने घर की दहलीज पर पहुंचते हैं, कुंडी को हल्की से हलाते हैं, हरकत करते हैं, दरवाज़ा खुलता है तो सामने माँ को पाता है, माँ अपने बच्चे को देखती है तो माँ डांटती है और फिर उनके कान पकड़ कर कहती है कि तुमने कौन सी शरारत की, क्या काम किया जिसकी वजह से उस्ताद ने तुम्हें मदरसे से बाहर निकाल दिया और तुम्हें यहाँ भेज दिया। अब बच्चा सुना रहा है, पूरी बात बता रहा है, लेकिन माँ गुस्से में सुनने के लिए तैयार ही नहीं, कान पकड़ कर उस्ताद के पास लाए और कहा कि हजरत मेरे बच्चे ने कौन सी गलती कर दी और ऐसी कौन सी शरारत कर दी जिसकी वजह से आपने बच्चे को मेरे पास भेज दिया है, मेरी मन्नत है, समाजत है, आप मेरे बच्चे को पढ़ाइए। उस्ताद ने कहा कि नहीं, मैं आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। कहने लगी पूरी बस्ती वाले के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, सारे गांव के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, मेरे एक बच्चे को पढ़ाने मैं आपको क्या हर्ज है, क्या तकलीफ हो रही है। फौरन आते ही उस्ताद पर गिला शिकवा नहीं करना शुरू कर दिया कि आपने मेरे बच्चे को मारा, मेरा बच्चा रोता हुआ घर को आया था और आंखों से आंसू टपक रहा था। आजकल की जो औरतें होती है, अगर कोई उस्ताद बच्चे को मकतब में मार दे, पिटाई कर दे, किसी गलती की वजह से बच्चा रोता हुआ घर पहुंचता है, माँ से शिकायत करता है, तो फिर माँ गुस्से में आ जाती है, ओढ़नी कहाँ है, दुपट्टा कहाँ है, अलग है, हजरत के पास फौरन आती है और कहते हैं हजरत मेरे बच्चे को आप मार दिए, मेरे बच्चे को आपने पिटाई कर दिए, इस तरह से करे शिकायतें करती है। और इसी पर बस नहीं, जब शौहर शाम को काम से आता है तो शौहर को भी उसको भी चाबी फिराती है कि मेरे बच्चे को आज उस्ताद ने हजरत ने मार दिया, ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। अब बेचारा दिन भर काम थका हारा होता है, टेंशन में होता है, परेशान होता है, जब औलाद के बारे में
बच्चों के बारे में बात सुनते हैं तो उनको भी गुस्सा आता है, फिर उस्ताद के पास आते हैं और फिर ना जाने कैसी कैसी बातें कहते हैं। तो बहरहाल पीराने पीर रहमतुल्ला की वालिदा ने उस्ताद से कहा कि मेरी बच्ची की क्या तकसीर है, माफ़ी चाहती हूँ। उस्ताद ने कहा कि बात ऐसी नहीं है, वाकियात कुछ है, कुछ बातें हमारे सामने आई है जिसकी वजह से मैंने कहा कि ये बच्चे को पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। बच्चे से मैंने सवाल किया कि तुमने ये कहाँ पढ़ा, कहाँ हिफ्ज किया, याद किया सूरह बकरा, इतनी कम उम्र में, छोटी सी उम्र में, 4 साल की उम्र क्या होती है, 4 साल की उम्र में तकरीबन ढाई पारे का हिफ्ज कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। आज हमें छोटी छोटी सूरतें भी याद नहीं होती है, अगर याद होती है तो उसमें भी 100 गलतियां होती हैं, अल्फाज के तलफ़ सही नहीं, हरूफ की अदायगी सही नहीं। हम भी मोहब्बत करने वाले हैं पीराने पीर से, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह से अकीदत रखने वाले हैं, कम उम्र में 2.5 जुज हिफ्ज कर लिए, आज हमें सूरह यासीन भी सही से याद नहीं, सूरह रहमान भी सही से याद नहीं, सूरह वाकिया भी सही से याद नहीं, सूरह मुल्क भी सही से याद नहीं। तो बहरहाल वाकिया सुनाया, बच्चे ने कहा कि मैं जब माँ मेरी काम करती थी घर के अंदर तो जोर से तिलावत करती थी, तिलावत को सुनकर मैंने हिफ्ज कर लिया, खाना खिलाती, घर के दूसरे काम काज करती, मेरी माँ की आदत थी कि मेरी माँ तिलावत करती थी, कुरान की आयतों को पढ़ती थी, वो सुन कर मैंने हिफ्ज किया और ये 2.5 पारे तकरीबन मुझे याद हो गए। आज हमारी औरतों का हाल है, हमारे बच्चे 4 साल की उम्र में सूरह फातिहा पढ़ना या कोई सूरत याद करना तो मुश्किल होता है, लेकिन जो दूसरी बातें हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उसके हाफिज बन जाते हैं, गाली गलौज देने के लिए हाफिज बन जाते हैं, और फिर ना जाने अपनी मासूमियत भरे जुबान से, मासूम जुबान से ऐसे अल्फाज निकालते हैं जो एक ईमान वालों के लिए मुनासिब नहीं होता है। ये हमारी तरबियत का नतीजा है, हमारी औलाद की परवरिश का नतीजा है। हमारी माएँ आज के ज़माने में घरों के अंदर बच्चों के सामने कुरान की तिलावत करती है या कोई और काम करती है, हाथ में मोबाइल होता है या मोबाइल नहीं तो सामने बड़ा स्क्रीन होता है, उस पर कुछ चलते रहते हैं, बच्चे भी सामने होते हैं। अब बच्चा जब रहेगा सामने, बार बार एक आवाज़ तो सुनेंगे या एक चीज़ को देखेंगे तो वो सारी चीज़ें फिर वो अपने दिलो दिमाग में वो बिठाएंगे और उसे हिफ्ज करेंगे, याद करेंगे। तो पीराने पीर रहमतुल्लाह से जब उस्ताद ने सवाल किया कि बेटे तुमने ये तकरीबन 2.5 पारा कैसे हिफ्ज कर लिया, कैसे तुम्हें याद हो गया, तो उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा जब घर के काम काज करते थे तो कुरान की तिलावत करते थे जिसको मैं सुन कर याद कर लिया। तो उस्ताद ने कहा कि आप अपनी वालिदा से ही पढ़ लें, उन्हीं के पास चले जाएं, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकता। हज़रत उलमा इकराम ने फरमाया है, उनकी ज़ुबानी मैंने वाकिया सुना है कि 4 साल की उम्र में मदरसे में दाखिले किए थे, 4.5 साल में 6 महीने में वो हिफ्ज कर लिए, मुकम्मल कुरान का हाफिज बन गया। अल्लाह तबारक व ताला ने सीने में कुरान को महफूज फरमा दिया। जब कुरान को अल्लाह तबारक व ताला ने सीने में महफूज फरमा दिया तो उनके दिल में एक हसरत हुई, ख्वाहिश हुई कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कुरान का तो हिफ्ज मेरे सीने में महफूज कर दिया है, हाफिज बना दिया है, अल्फाज तो मालूम है, जुबानी पढ़ता भी हूँ, कुरान याद भी है, लेकिन इसके माने मालूम नहीं, तर्जमा मालूम नहीं, आयतों की तफसील मालूम नहीं कि फलां आयत के ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला क्या पैगाम देना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व ताला बंदों से क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने वालिदा से कहा कि वालिदा मुझे बगदाद भेज दें, बगदाद इल्म व फन का उस ज़माने मरकज था, सियासत का जिस तरह से मरकज था, इल्म का भी एक मरकज था, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफस्सिरीन, बड़े बड़े फुकहा बगदाद के अंदर रहते थे। उनके दिल में ख्वाहिश हुई मैं भी वहाँ जाऊँ ताकि मैं भी कुरान की तफसीर को सीखूँ, कुरान के तर्जुमे को पढ़ूँ, कुरान के मानी और मतालिब को सीखूँ और फिर उसी के हिसाब से मैं अपनी अगली ज़िंदगी गुजारूँ।
वालिदा से उन्होंने ये बात सामने रखी। वालिदा कहने लगी, बेटा तुम्हारी उम्र कम है, छोटी है, मैं बेवा हूं, तुम यतीम हो, तुम्हारे से मुझे आसरा है, उम्मीद है, हम दो मां बेटे हैं, एक घर के अंदर है, मैं तुम्हारे सहारे जिंदगी गुजार रही हूं, जो कुछ भी मेहनत कर रही हूं तुम्हारे खातिर, तुम्हारे लिए कर रही हूं, और तुम कहते हैं कि मुझे बगदाद भेज दे पढ़ने के लिए। तो हज़रत पीराने पीर रहिमहुल्लाह ने कहा कि वहां बड़े बड़े उलमा है, जय्यिद उलमा है, अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनसे कुरान को सही तौर पर सीखूंगा, उनके तर्जुमे को पढ़ूंगा। वालिदा तैयार नहीं है, जाने के लिए इजाजत नहीं दे रही है, बच्चा जाने पर जिद कर रहा है। रात हो गई, सो गए, वालिदा भी सो गई, पीराने पीर रहिमहुल्लाह भी सो गए। आधी रात को कहते हैं कि पीराने पीर रहिमहुल्लाह को उनकी वालिदा ने जगाया, बेदार किया और कहा कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए सामान सफ़र तैयार कर दिया है। उस ज़माने में जो काफिला चलता था सुबह सवेरे से पहले, यानी रात के अंधेरे में ही कोच करते थे, चलते थे, वो ज़माना ख़तरनाक था, लूट मार डाका जनी उस ज़माने में ये आम सी बात थी। तो बहरहाल जब कोई काफिला रवाना होता था रात के अंधेरे में, यानी सुबह होने से पहले ही वो कोच करते थे, जाते थे अपनी मंजिल की तरफ, कदम बढ़ाते थे, तो बेटे को बेदार किया और कहा कि मैंने तुम्हारा सारा सामान तैयार कर दिया है, तुम्हारे जाने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी उसको मैंने सब बांध दिया है। अब बच्चा परेशान है कि वालिदा अम्मी सुबह में तो आप मना कर रहे थे और आप अब आधी रात में आप उठा कर ये कह रहे हैं कि तुम्हारा सारा सामान तैयार है, तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ। बहरहाल पूछा कि वालिदा माजरा क्या है, तो कहा कि जिस तरह तुम सोए थे मैं भी सोया था, मैं भी सो गई थी, ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के बंदी अपने बेटे को बगदाद क्यों नहीं भेजती, बगदाद भेजो, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान इनके सीने में महफूज फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला इसे बड़ा आलिम बनाएगा, अल्लाह का नेक बंदा बनाएगा। जब ये बात ख्वाब के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हुक्म हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म को मैं कैसे टाल सकती हूँ, रद्द कर सकती हूँ। तो बहरहाल पीराने पीर रहिमहुल्लाह को फिर रवाना किए, काफिले वालों के साथ रवाना किए। वाकिया बीच में आया, किस तरह से डाकुओं ने लूटा, काफिले वालों ने किस तरह से काफिले वालों के सारे सामान साजो सामान को लूटा। पीराने पीर रहिमहुल्लाह के पास भी डाकू आए और कहने लगा तुम्हारे पास अगर कोई कीमती चीज़ है तुम बताओ, उनको मेरे सामने करो। पीराने पीर रहिमहुल्लाह ने कहा कि मेरे पास हाँ है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ पैसे हैं जो मेरी वालिदा ने मेरे बगल में रखे हुए हैं मेरे खर्चे के लिए। अब डाकू यकीन नहीं कर पा रहा है कि बच्चा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या मजाक कर रहा है। तो बहरहाल बाद में हकीकत सामने आए कि हाँ, बच्चे के बगल में यकीनन कुछ चीज़ें हैं, कुछ पैसे हैं, कुछ दिनार है। तो फिर किस तरह से डाकुओं के सरदार ने तौबा किया और फिर अपने ज़माने के अल्लाह के वली बन गए। तो बहरहाल मेरे मोहतरम पीराने पीर रहिमहुल्लाह बगदाद गए, हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब में तारीख़ दावत अज़ीमत में ये बात लिखी है, वाकिया लिखा है कि पीराने पीर रहिमहुल्लाह जब वहाँ गए हैं और जाने के बाद फिर अल्लाह तबारक व ताला ने तौफीक दी और फिर इल्म हासिल किए, और इल्म हासिल करने के बाद जितने उलूम थे उस ज़माने में बगदाद के अंदर, सारे उलूम के अंदर इन्होंने महारत हासिल की और अल्लाह तबारक व ताला ने इनके सीनों में सारे उलूम को जमा कर दिया था। कहने वाले कहते थे कि बगदाद में पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह से बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है, कोई बड़ा आलिम नहीं है, इतना इल्म अल्लाह तबारक व ताला ने इनके सीनों में जमा कर दिया था और भर दिया था कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने इल्म से नवाजा था, दीन के इल्म से नवाजा था, कुरान के इल्म से नवाजा था, फिकाओ तदरीस के इल्म से नवाजा था, तस्किए नफ्स के इल्म से अल्लाह तबारक व ताला ने नवाजा था,
मैंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत पीराने पीर रहमहुल्लाह को तकवा व परहेजगारी वरा व तकवा दरसो तदरीस और इस्लाह व तरबियत इरशाद व इस्लाह फिका व फतावा तस्किए नफ्स जैसे उलूम से इल्म से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा था। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इल्म जमा फरमा दिया तो उनके मुरीदीन जो थे मोहब्बत करने वाले थे वो कहते हैं कि पीराने पीर आप लोगों के दरमियान वाज़ो नसीहत कीजिए ताकि अल्लाह के बंदों को नफ़ा पहुँचे, तकरीर कीजिए लोगों के सामने, बयान कीजिए, अल्लाह के हुक्म को सुनाइए, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम ये वाला अमल कीजिए ताकि अल्लाह के बंदों को फैज़ पहुँचे, अल्लाह के बंदे इससे ज़्यादा नफ़ा हासिल करें। पीराने पीर रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मैं खुद इसमें कच्चा हूँ, मैं जो भी अमल करता हूँ मुझे मालूम नहीं है, पता नहीं है कि ये अमल अल्लाह तबारक व ताला की निगाह में काबिल कबूल है या नहीं। अगर काबिल कबूल ना हो तो फिर मैं दूसरों को कैसे समझाऊँ, दूसरों को कैसे बताऊँ। मैंने गुज़िश्ता जुमा की अर्ज़ किया था कि पीराने पीर रहमतुल्लाह की ज़िंदगी की सिर्फ़ एक हसरत थी, सिर्फ़ एक आरज़ू थी और वह आरज़ू और हसरत ये थी कि मैं जो भी अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ, अल्लाह का नाम लेता हूँ या कोई खैर का काम करता हूँ, बस इससे मेरा खुदा राज़ी हो जाए, मेरा परवरदिगार राज़ी हो जाए। और जब दुनिया से रुखसत होने की बारी आए, दुनिया से जब जाने का वक्त आ जाए तो मेरी ज़ुबान पर कलिमा जारी हो, खातिमा बिल खैर हो। इसलिए कहा जाता है कि अगर ज़िंदगी में हमारा खाता साफ होगा तो खातिमा भी सही होगा। दुनिया में दुनिया की चीज़ों के लिए हम खाते बनाते हैं ताकि दुनिया में हमें आसानी हो, किसी चीज़ का कोई गम ना हो, बैंक बैलेंस खाता भरे पड़े हैं पैसों से। क्यों? ख्वाहिश ये होती है कि हमारी दुनियावी ज़िंदगी खुशी के साथ गुजरे, खुशो खुर्रम के साथ हमारी ज़िंदगी गुजरे, मसर्रत व शादमानी के साथ हमारी ज़िंदगी गुजरे, कोई परेशानी ना हो। इसलिए हमारा जो आखिरत का खाता है वो भी हमारा साफ करना पड़ेगा, उसे भी उसमें के अंदर नेकियों को जमाना होगा, अच्छाइयों को जमाना होगा, भलाई के काम को जमाना होगा। तो बहरहाल पीराने पीर रहमतुल्लाह से कहते थे कि आप लोगों के दरमियान दर्स तो देते हैं, हदीस की किताबें तो आप तालिबे-ए-इल्म को पढ़ाते हैं, फिका का दर्स तो दे देते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों के सामने कुछ बातें कहिए, कुछ वाज़ो नसीहत फरमाइए। पीराने पीर रहमतुल्लाह हिम्मत नहीं करते थे। एक मरतबा ख्वाब देखा और फिर लोगों में ऐलान किया, खुद ऐलान किया कि फला जगह एक मकाम पर जमा हो जाए, मैं आपको अल्लाह की बात आपके सामने रखूंगा, अल्लाह की बात आपको बताऊंगा, दीन की बातें आपको समझाऊंगा। लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए, इतने साल गुजर गए हैं, लोगों ने दरख्वास्त भी की लेकिन हजरत माजरत करते थे और पीछे हटते थे, आखिर ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है। ख्वाब में क्या देखा है, क्या तफसील है ख्वाब की? तो बहरहाल इसको आइंदा जुमा बताने की बयान करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह से अल्लाह तबारक व ताला ने जो आपको विलायत के मैदान में जो मकाम और मरतबा अता फरमाया है, और अल्लाह तबारक व ताला ने आपके ज़रिए से जो मखलूक की खिदमत किए हैं, आपने जो मुर्दा दिलों की मसीहाई फरमाई है और मुर्दा दिलों के लिए सुकून दिल का, दवाए दिल का जो आपने इलाज किया है, किस तरह से किया है, और ये मकाम जो आपको हासिल हुआ, मरतबे पर जो आप फाइज हुए, कैसे हुए, किस तरह से हुए, क्या कुर्बानियाँ थी, क्या जद्दोजहद थी, क्या मुजाहिदे किए थे और क्या नफ्स कशी की थी, वो सारी बातें, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आइंदा जुमा बताने की कोशिश करूँगा। तो बहरहाल मेरे मोहतरम आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें मालूम है कि आज ये महीना पीराने पीर रहमतुल्लाह से इसका निस्बत है कि पीराने पीर रहमतुल्लाह की वफ़ात इस महीने में हुई है, लेकिन पीराने पीर रहमतुल्लाह की ज़िंदगी से हमें सबक क्या मिलता है? वफ़ात हमें मालूम है कि फ़ला तारीख को वफ़ात हुई है, दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी के आमाल के बारे में हमें पता नहीं। अगर पता भी है तो हम अमल करने के लिए तैयार नहीं है कि कैसी ज़िंदगी गुजारे, कितनी तकवा व तहारत वाली ज़िंदगी गुजारी, पाकिजगी वाली ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह का डर कैसा था, अल्लाह का खौफ कैसा था, और फिर अल्लाह तबारक व ताला से कितने डरने वाले थे,
कि सारी ज़िंदगी सिर्फ एक आरज़ू और हसरत थी कि खात्मा बिल खैर हो जाए, मरने के वक्त ज़ुबान पर कलिमा जारी हो जाए। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को पीरान पीर रहमतुल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए, इनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए, और जो दीन की खिदमत इन्होंने दी है और अल्लाह के नेक बंदों को, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने की, जुड़ाने की जो कोशिश की है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी तरफ से, पूरी उम्मत मुस्लिमों की तरफ से इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में इनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।